नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश बिश्नोई। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि राजस्थान हाईकोर्ट LDC, जिसे जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है, तो इस परीक्षा की एक बेहतरीन तैयारी के लिए एक ऐसी तैयारी जिससे आपका 100% फाइनली सिलेक्शन हो जाए, तो इस प्रकार की तैयारी के लिए आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। जो टाइपिंग और एफिशिएंसी का टेस्ट होता है उसकी भी साथ ही साथ किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, इसी के साथ में इसके सिलेबस को लेकर भी आप लोगों के काफी डाउट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि इसमें पत्र लेखन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, कुछ बोल रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है ज्योग्राफी को और राजस्थान इतिहास कला संस्कृति को, तो वैसे इन्होंने बता दिया लेकिन ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिखा है, तो इन तमाम चीजों के बारे में हम एनालिसिस करेंगे और आपको एक सटीक और ऑथेंटिक जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा कि आपको कौन कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए इसकी बेहतरीन तैयारी के लिए और किस प्रकार से आपको तैयारी है वो करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इस भर्ती के सिलेबस और एग्जाम की जो स्कीम है इसके बारे में हम ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा और मैंने आपको पहले भी बताया था जब ये वैकेंसी है वो निकली थी, तो इसमें दो सेक्शन रहते हैं, एक तो रिटन टेस्ट का और एक होता है टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट का। रिटन टेस्ट आपका 300 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 मार्क्स की हिंदी, 100 मार्क्स की इंग्लिश और 100 मार्क्स की GK जनरल नॉलेज। 2017 में हाईकोर्ट LDC की वैकेंसी निकली थी, जो मैंने भी एग्जाम दिया था उसमें केवल हिंदी और इंग्लिश थी, GK नहीं था। लेकिन 2015 की जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के नाम से वैकेंसी निकली थी, उसमें ये सेम ही सिलेबस था, GK भी था, इंग्लिश भी थी और हिंदी भी थी, ठीक है। तो इसमें 300 मार्क्स का पेपर होगा, साथ ही साथ 300 में से अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर आप OBC के हैं तो 300 में से आपको मिनिमम 135 मार्क्स है वो लाने होंगे। टोटल 300 में से अलग अलग नहीं है, आपको सेक्शन वाइज किसी में पास आउट होने की आवश्यकता नहीं है। SC ST और फिजिकली हैंडीकेप कैंडिडेट को मिनिमम जो मार्क्स है वो 120 लाने होंगे, ठीक है। तो ये तो मिनिमम मार्क्स हो गए। ये मिनिमम मार्क्स तो आपको देखने ही नहीं है क्योंकि इनकी कट ऑफ है लगभग 80% तक रहती है, इसलिए आपको मिनिमम जो मार्क्स है उनके ओर ध्यान नहीं देना है। अच्छे से अच्छे स्कोरिंग आप जब करेंगे रिटन एग्जाम में तभी आप टाइपिंग के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि टाइपिंग में बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है, इसीलिए आप जितने भी अपना एफर्ट्स लगा सके वो आपको एफर्ट्स लगाना है इन रिटन एग्जाम में। यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स है वो लाने हैं और ज्यादा से ज्यादा आप मार्क्स कैसे ला पाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो यहाँ पर 300 मार्क्स का टोटल पेपर है, आप सभी को पता होना चाहिए, और तीनों ही जो सेक्शन है उनका वेटेज है वो समान है। साथ ही इसमें सिलेबस में क्या क्या है अब ये देखते हैं। तो सिलेबस की बात करें तो एक तो आपकी हिंदी है, एक इंग्लिश है और एक GK है। हिंदी में क्या पूछा जाएगा, तो ये 13 टॉपिक है, इनसे संबंधित क्वेश्चन है वो आपको हिंदी में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कितने होंगे, क्वेश्चन होंगे 50 हिंदी, 50 इंग्लिश और 50 ही GK के, 150 टोटल क्वेश्चन होंगे और मार्क्स कितने होंगे 300, यानी कि एक क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का, ठीक है। तो हिंदी में आपको संधि, संधि के भेद और संधि विच्छेद, समास, समास के भेद, विग्रह और समास सामासिक पदों की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द और मुहावरे और लोकोक्तियां, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आप ये जो सिलेबस देख रहे हैं
इसमें हमें एक दो चीजें है वो नजर नहीं आ रही है। पहली और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि इसमें जो पत्र लेखन है इसका हमें विलोपन दिखाई दे रहा है। पत्र लेखन इस सिलेबस में नहीं दिख रहा है, लेकिन जो पत्र लेखन होता है वो आपकी एफिशिएंसी में पूछा जा सकता है। ठीक है, पिछली बार तो नहीं पूछा गया था, लेकिन एफिशिएंसी में आपके सिलेबस में स्पष्ट तौर पर लिखा मिलेगा आपको। तो पत्र लेखन की भी साथ ही साथ आप तैयारी कर लीजिए, इतना हार्ड भी नहीं है। ठीक है, और आप जब ऑफिस में जाएंगे एग्जाम क्लियर करने के बाद में, तभी आपको इसका सामना करना पड़ सकता है समस्या का। तो इसीलिए पत्र लेखन है वो आप साथ ही साथ तैयार कर लीजिए, बाकी ये तो आपको करना ही है। अब ये चीजें आपको किस प्रकार से तैयार करनी है, कैसे तैयार करेंगे, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश में दो सेक्शनों को आप दो सेक्शंस में इसको बांट सकते हैं, जिसमें 50% जो पोर्शन रहता है वो रहता है शब्द और अर्थभेद का। ठीक है, शब्द अर्थभेद जिसे हम वोकैब कह सकते हैं, वोकैबुलरी। इसमें क्या होता है कि वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, शब्द युग में शब्द शुद्धि को भी शामिल कर सकते हैं हम, अनेकार्थक, विलोम, पर्यायवाची। तो ये चीजें हैं, ये हिंदी में भी 50% का वेटेज है इसका, इंग्लिश में भी 50% वेटेज रखती है। तो ये चीजें एक दिन में याद कर पाना संभव नहीं है, इसीलिए आप इन चीजों को याद करने के लिए क्या करेंगे कि डेली के 4-5 शब्द आप पर्यायवाची के याद करेंगे, 4-5 विलोम के, 4-5 शब्द युग्म में, 4-5 एकार्थक। या फिर आप इस प्रकार से भी इसे डिवाइड कर सकते हैं कि पहले एक सप्ताह में आप विलोम को और पर्यायवाची को कर सकते हैं। ठीक है, विलोम पर्यायवाची को दोनों को साथ साथ रख सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही ये खत्म हो जाए तो दो दो आप और सेक्शन ऐड कर सकते हैं, और इस प्रकार से 5-5 या 10-10 शब्दों को डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस करके, डेली बेसिस पे आप याद करके इन्हें अच्छी तरीके से रिटेन कर सकते हैं। तो ये तो इसका वोकैब का पोर्शन हो गया। हिंदी में भी आपको इसी प्रकार से करना है, और इंग्लिश में भी आपको एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस, ये भी आपको 4-5 एक पीस छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आपको इनको याद करना है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इन टुकड़ों के साथ में धीरे धीरे याद करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके एग्जाम तक आपके ये 50% का पोर्शन है वो बहुत ही काफी हद तक अच्छा हो जाएगा। और बाकी के जो 50% पोर्शन है वो आप डेली बेसिस पर इनको कर लेना। और ये आप कहाँ से पढ़ेंगे, तो इसके लिए एक सबसे अच्छी बुक है वो है व्यवहारिक सामान्य हिंदी। मैं यहाँ पर ये जो बुकें बता रहा हूँ वो किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए ये जो किताबें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ सकते हैं, और आपको ठीक नहीं लगे आपके अकॉर्डिंग तो आप दूसरी बुक भी वैकल्पिक बुक के तौर पर आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो डॉक्टर सविता पाईवाल और डॉक्टर राघव प्रकाश जी की ये बुक है, इसका पुराना जो एडिशन है उसमें आपको कुछ चीजें नहीं मिलेगी, लेकिन ये अपडेटेड बुक है, डॉक्टर सविता पाईवाल जी भी इनमें साथ हैं। तो ये बुक आप अच्छी तैयारी के लिए इसको प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा आप एक ऑथेंटिक बुक पढ़ना चाहे तो नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना जो 9 से 12 तक की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, तो इस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इस बुक में जो भी चीजें हैं वो आपको राघव प्रकाश की बुक में मिल जाएगी, और इससे एक्स्ट्रा ही चीजें आपको मिलेगी। तो आप इन दोनों में से कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी के लिए अच्छी बुक है, बेहतरीन बुक है। इसके अलावा हिंदी के लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से उनको सॉल्व करना चाहिए, हिंदी में, इंग्लिश और जीके के लिए। और राजस्थान जीके के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनका मैंने वीडियो भी बना रखा है, मेगा वीडियो है, तो उनको आप अच्छी तरीके से देख लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन हद तक आपको अच्छी खासी उसकी तैयारी हो जाएगी। और बाकी हिंदी और इंग्लिश का भी कंटेंट है वो हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो आप जुड़े रहिए, और मैं वीडियो के अंत में भी आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी बताऊंगा। तो ये है हिंदी को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका। अब देखते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में ये 12 टॉपिक है, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, टेंसेज, वॉइस, नरेशन,
सेंटेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो, इसके अलावा आर्टिकल्स है, डिटरमिनर्स है, प्रीपोजिशंस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, वन वर्ड है, प्रीफिक्स सफिक्स, कन्फ्यूजेबल वर्ड, इडियम एंड फ्रेजेस। यहाँ पर भी लेटर राइटिंग हमें नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन आप, मेरी यही राय है कि आप एक बार देख लीजिए इनको भी, ठीक है। अब इसमें भी आप क्या करेंगे कि ये जो वन वर्ड है, प्रीफिक्स सफिक्स, कन्फ्यूजेबल वर्ड, इडियम एंड फ्रेजेस है, ये चीजें आपको डेली बेसिस पर तैयार करनी होगी। एक दिन में आप इनको तैयार नहीं कर सकते और होगी भी नहीं। डेली के आप 4-5 वन वर्ड देख, 4-5 एंटोनिम्स सिनोनिम्स देखो, इस प्रकार से आपकी तैयारी हो जाएगी। और बाकी इनकी जितने भी इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, प्रीफिक्स सफिक्स, कन्फ्यूजेबल वर्ड, इनसे संबंधित आज तक राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में, जो कि हाई कोर्ट की हो गई या फिर आरपीएससी की या फिर आरएसएसबी की, इन सभी परीक्षाओं की यानी कि राजस्थान की जितनी भी परीक्षा है उनमें इन चीजों से संबंधित यानी कि वोकैब पोर्शन से जितने भी प्रश्न पूछे हैं उनका एक 2 आवर का मेगा वीडियो है, वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो उसे आप देख सकते हैं। काफी हद तक वहां से आपको 50-60% तक के वर्ड है वो मिल जाएंगे इसमें, क्योंकि मैंने वहां पर क्या किया है कि एक अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन के साथ में जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं अन्य वर्ड्स के भी, तो उन चारों ही ऑप्शंस को मैंने आपको बताया है कि इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, इसका क्या होता है, सी का क्या होता है, डी का क्या होता है। तो इस प्रकार से लगभग आपका उसमें 1000 से ज्यादा है वो वर्ड आपको वहां पर मिल जाएंगे, तो बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी उससे भी हो जाएगी। और बाकी आपको इसके लिए बुक के माध्यम से तो स्टडी करनी ही है डेली बेसिस पर, तो आपको ये चीजें पढ़नी ही है। और ये चीजें आप कहाँ से पढ़ेंगे, तो इसके लिए मैंने जो बुक फॉलो की है और मुझे सबसे अच्छी बुक लगी वो है ये पैरामाउंट की बुक। पहले पैरामाउंट के नाम से ये बुक आती थी और वर्तमान में केडी कैंपस के नाम से आती है, ठीक है। तो इस बुक को आप यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है और आपको इसमें कंप्लीट वोकैब मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो चीजें हैं ये भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेन की हुई है, तो आप इस बुक को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया बुक है। इसके अलावा एक और बुक है जो कि सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ी जाती है, विशेषकर आरएएस के लिए, तो ये है बीके रस्तोगी और नीतू रस्तोगी की जनरल इंग्लिश की नाम से बुक है, और शायद तक एलडीसी के लिए भी इन्होंने अलग से बुक है वो निकाल दी होगी। मैंने ये बुक नहीं पढ़ी है, लेकिन काफी मार्केट में काफी ये पॉपुलर है, तो आप अपने हिसाब से दोनों बुकों में से कोई भी एक को आप चूज कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, पढ़ना आपको है, कोई सी भी बुक पढ़ो, जो भी इनमें रूल दे रखे हैं उन रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे, ये चीजें आपको दोनों ही बुकों में मिल जाएगी। तो दोनों ही बुक अच्छी है और मैंने जो यूज की है मेरे अकॉर्डिंग ये केडी कैंपस की प्लिंथ टू पैरामाउंट नीतू सिंह की बुक है, सबसे अच्छी बुक मैं मानता हूँ। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में केवल और केवल आपको ये 3 लाइनें ही देकर छोड़ दिया है। अब काफी स्टूडेंट्स इस भंवर जाल में फंस गए हैं कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, करंट अफेयर्स कौन सा पढ़े, राजस्थान का, भारत का या विश्व का। तो करंट अफेयर्स लिखा है तो करंट अफेयर्स का मतलब ये हो गया कि जो भी समसामयिक घटनाएं हैं, चाहे राज्य स्तर की हो, राष्ट्रीय स्तर की हो या वैश्विक स्तर की हो, उनमें से आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकता है। तो आपको सीए तीनों ही देखना है, भारत, विश्व और राजस्थान। ये आप कहां से पढ़ेंगे, तो सीए के लिए आप डेली बेसिस पर क्रोनोलॉजी बुक आती है जो कि मंथली पब्लिकेशन है, ये आप मंथली फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, और इसमें आपको मैं एक और अच्छा तरीका बताता हूँ कि आपको साथ ही साथ टाइपिंग भी करनी है, ठीक है, टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो आप क्या करें कि डेली न्यूज़पेपर पर जो भी महत्वपूर्ण न्यूज होती है, ठीक है, तो उन न्यूज को आप पहले तो न्यूज़पेपर पढ़कर उनको टिक कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद में उन न्यूजों को आप टाइप करना शुरू कर दीजिए टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए। तो ये चीजें भी
रेंट भी आपका तैयार हो जाएगा साथ ही साथ, और टाइपिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब पर डेली के लाइव एपिसोड आते हैं, चाहे उत्कर्ष के आप देख सकते हैं, इसके अलावा अंकित जी सर के भी देख सकते हैं, इसके अलावा अड्डा 247 पर भी बहुत ही अच्छा करंट अफेयर्स है वो अवेलेबल करवाया जाता है। तो कोई भी आप वो वीडियो भी फॉलो कर सकते हैं जिससे आपकी अच्छी तैयारी है वो हो जाएगी। बाकी अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और क्रोनोलॉजी को फॉलो करेंगे तो भी आपका ये चीजें है वो बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है करंट अफेयर्स में। लेकिन आपको डेली बेसिस पर कंटिन्यूटी के साथ में करंट अफेयर्स को पढ़ना होगा। अगर आप एग्जाम टाइम के दौरान इधर उधर ताका झाकी करेंगे कि करंट कहाँ से पढ़े क्या पढ़े कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो आपके लिए काफी क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है, इसीलिए करंट अफेयर्स आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो ये आपकी भारत की आएगी और राजस्थान की आएगी। प्राकृतिक संसाधनों में क्या आता है तो प्राकृतिक संसाधन जिसमें कि खनिज संसाधन, वन संपदा, इसके अलावा नदी है, झीले है, तो ये सभी प्राकृतिक संसाधनों में आते हैं। तो ये चीजें आप कहाँ से पढ़ेंगे तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज में आपको दोनों ही देखने हैं, ठीक है, दोनों कौन कौन से, राजस्थान के प्लस भारत के, और निश्चित तौर पर भारत के भी आपको पूछे जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। मैं आपको सबूत के साथ में भी बताऊंगा कि जो भारत का जीके है यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं इनके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप जुड़े रहिए। अब ये जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इनकी आप बुक कौन कौन सी पढ़ेंगे जिससे कि आपका एक 100% है वो सिलेक्शन हो जाए, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि राजस्थान की ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज, राजस्थान के भूगोल में आपको केवल और केवल नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े जो भी टॉपिक है वो पढ़ने हैं। इतिहास कला संस्कृति के लिए ये आप हुकमचंद जैन और नारायण लाल माली की बुक है फॉलो कर सकते हैं, दोनों ही बुक ऑथेंटिक बुक है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, और कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे यानी कि जब इसकी आंसर की आ जाए और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्शन के लिए कहेंगे तो यही जो बुक है ऑथेंटिक है और उनका ही आप रेफरेंस है वो दे पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के लिए। अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी वन डे छोटे मोटे एग्जाम है उसके लिए भी बहुत ही अच्छी बुक है। राजस्थान भूगोल के लिए भी ये बहुत ही शानदार बुक है, और इसमें आप पढ़ेंगे तो आप बोर भी नहीं होंगे, बोरिंग भी नहीं महसूस करेंगे, और बहुत ही इजी वे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है प्रत्येक चीज को। लेकिन इन बुकों में आपको पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी नहीं मिलेगी, फैक्चुअल जो भी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर कम मिलेगी, डिस्क्रिप्टिव चीजें आपको यहाँ पर ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो इसमें इसके वैकल्पिक तौर पर आप कौन सी बुक यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर राजस्थान जो लक्ष्य राजस्थान है भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, तो इस बुक को भी आप अगर राजस्थान जो HM सक्सेना की बुक आप ना पढ़े तो ये बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं, नवीनतम अपडेटेड वर्जन काफी अच्छी बुक है। इसमें आपको राजस्थान की भूगोल और जो प्राकृतिक संसाधन है उनसे जुड़े प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो इतिहास कला संस्कृति के लिए है तो ये राज पेनोरमा का सेकंड जो वॉल्यूम है ये बहुत ही अच्छी बुक है राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के लिए। इस बुक में जो भी चीजें लिखी हुई है वो डिस्क्रिप्टिव में है, ठीक है, ज्यादा विश्लेषणात्मक है, लेकिन यहाँ पर आपको विश्लेषण और फैक्ट्स दोनों मिल जाएंगे। इसमें भी आपको फैक्ट्स मिलेंगे, विश्लेषण इतना नहीं है, तो आप ये बुक भी फॉलो कर सकते हैं और ये बुक भी, कोई सी भी इनमें से दोनों में फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक और चीज, इसके अलावा जो इंडिया जीके है, इंडिया में जो भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन है उसके लिए आप लूसेंट की बुक आती है वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेरियार पब्लिकेशन की एक छोटी सी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, सिविल सर्विसेज के लिए लिखी गई है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं इंडिया जीके की पोर्शन को तैयार करने के लिए। तो ये तो आपकी बुकों की बात हो गई, आपको क्या पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से इनकी तैयारी करनी चाहिए वो मैंने आपको बताया। साथ ही
ये बुक तो आपको पढ़नी ही है, इनमें से कोई भी आप एक ले सकते हैं। अगर केवल और केवल आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की ही बुकें पढ़ते हैं राजस्थान जीके के लिए, तो इसके साथ में एक और चीज है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, और वो ये है कि यूट्यूब पर हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि RSSB के 2015 से 20 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स के वीडियो डाले हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स के वीडियो है, यहाँ से आपका राजस्थान जीके 80% तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 80% प्लस के क्वेश्चन है वो आपको इन्हीं वीडियो से मिल जाएंगे, जिसमें कि ये जो वीडियो है एक 5 घंटे का, 4 घंटा 38 मिनट, एक है 7 घंटा 52 मिनट और तीसरा है जो लगभग 10 घंटे का है। ठीक है, तो ऑल ओवर ये तो जो 3 मेगा वीडियो है राजस्थान भूगोल इतिहास कला संस्कृति और यहाँ पर 2018-19 के इस वीडियो में क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से इत्मीनान से देख लेंगे तो मैं आपको कहता हूँ 80 से 90% तक राजस्थान जीके का जो पोर्शन है वो आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा, और बाकी आप विश्लेषणात्मक रूप से पढ़ने के लिए ये बुक है आप फॉलो कर सकते हैं। इनको नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, अगर ये 2 बुकें पढ़ ली और ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स के वीडियोस देख लिए तो आपका 98% यानी कि 95 से 98% तक का आपका जीके है वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की बात की गई है तो इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो इकोनॉमी से भी जुड़ी होती है और करंट से भी जुड़ी होती है, तो कुछ एक आपको करंट बेस्ड नए क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो करंट बेस्ड क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स पढ़ने पर तैयार हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी राजस्थान का जीके आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इन वीडियो से तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप बिग स्लाइड में, ये है राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, ये है ज्योग्राफी, इसके अलावा इंग्लिश वोकैब की मैं बात कर रहा था तो इंग्लिश वोकैब में RPSC RSSB और राजस्थान हाई कोर्ट के यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा वर्ड्स है जो की BSTC पटवारी रीट फर्स्ट ग्रेड स्टेनो राजस्थान हाईकोर्ट LDC इसके अलावा RAS मेंस में भी जितने भी वोकैब से जुड़े प्रश्न पूछे गए हैं वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को भी आप वोकैब प्रोस्पेक्टिव से जरूर देखिए। इसके अलावा हिंदी के लिए भी मैं आपको वीडियो और प्रीवियस ईयर के पेपर्स है उनकी PDF वो प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप ये करें कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं जो कि हिंदी के, इंग्लिश के और जीके के, तो जीके के प्रीवियस पेपर आप अभी ही डाउनलोड कर सकते हैं, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और जल्द ही आपको हिंदी के और इंग्लिश के भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स की एक कंबाइंड PDF है वो मिल जाएगी, तो आप हमसे जुड़े रहिए। बाकी इंग्लिश की जो वोकैब है वो आप यहाँ से देख सकते हैं और हिंदी में भी जो वर्ड पावर है उनका भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, इसके अलावा हिंदी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स है वो भी मैं आपको डाल दूंगा ताकि आपकी तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और इस प्रकार से अगर मैंने ये जो चीजें बताई है इनको आप अगर कंटिन्यूटी के साथ में अच्छे से फॉलो करेंगे, इन बुकों को पढ़ेंगे, ये वीडियो अच्छी तरीके से देख लेंगे तो आपका सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई भी ताकत आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकती। दूसरी बात, अब सिलेक्शन केवल रिटन एग्जाम क्लियर करने से नहीं होगा। ठीक है, रिटन एग्जाम क्लियर मैंने भी किया था, मेरे हिंदी में 80 मार्क्स थे और इंग्लिश में 89, ऑल ओवर 69 थे और ये लगभग 84.5% बनते हैं। ठीक है, फिर भी 85% बनाने पर भी रिटन एग्जाम में मेरा सिलेक्शन है वो नहीं हुआ था, 2017 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टाइपिंग के लिए यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, आपको जैसे ही रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद में महीना भर से आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद में आपको 1.5 से 2 महीना दिया जाएगा टाइपिंग के लिए। ठीक है, 1.5 से 2 महीने में आप जितना भी परफॉर्मेंस कर पाए वो कर सकते हैं, बाकी आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। तो अब फाइनली आपको सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना होगा, तो फाइनली सिलेक्शन के लिए आपको अभी से टाइपिंग स्टार्ट करनी होगी। एफिशिएंसी के लिए आप अभी कुछ मत करें, एफिशिएंसी के लिए हमारे इसी चैनल पर वीडियोस डाले हुए हैं, वो वीडियो आप अच्छी तरीके से अगर टाइपिंग यानी कि ये जो एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं और एग्जाम के बाद में
अगर टाइपिंग के साथ साथ वो एफिशिएंसी के वीडियोस देख लेंगे तो आपकी एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी बाद में ही। एफिशिएंसी आप एक सप्ताह में भी कर सकते हैं, 7 दिन में भी एफिशिएंसी को कवर कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए आप एफिशिएंसी के लिए अभी ताका झाकी ना करें। आपको अब क्या करना है कि एक तो टाइपिंग है वो स्टार्ट कर देनी है अभी से, और टाइपिंग आपकी किस प्रकार से करनी है, 5 मिनट की तो आपको हिंदी में करनी होगी और 5 मिनट को आपको इंग्लिश में करनी होगी। पिछली बार जब मैंने दिया था तो उसमें क्या था कि 5 मिनट तो हिंदी थी और 5 मिनट इंग्लिश थी। इसके अलावा एक ऑप्शन और था कि अगर आप ये ना करना चाहे तो आप 10 मिनट की ओनली हिंदी में कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है अब की बार। मैंने भी पिछली बार 10 मिनट की हिंदी में की थी, लेकिन मैंने गलती ये की कि पहले एग्जाम के दौरान टाइपिंग की प्रैक्टिस बिल्कुल ही नहीं की थी, और जैसे ही रिटन एग्जाम क्लियर हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद में टाइपिंग स्टार्ट की तो टाइम बहुत ही कम मिला था। हिंदी में मुझे कह भी लिखना नहीं आ रहा था, और 2 महीना लगभग मुझे मिला था टाइपिंग के लिए, और 2 महीने में 35 से 38-40 तक स्पीड है वो मेरी रही थी। उसमें मेरी असफलता के पीछे मेन जो रीजन है वो ये था कि मैंने टाइपिंग के दौरान शुरुआत में जो हमारी फिंगर्स है वो कीबोर्ड कीपैड के अकॉर्डिंग सेट नहीं की थी, केवल 2 उंगलियों से टाइपिंग कर रहा था। मेरी स्पीड लगभग 20 की इन 2 उंगलियों से आ गई थी, और उसके बाद में जैसे ही 20 के बाद की जो स्पीड है वो सप्ताह भर मैंने प्रैक्टिस की, 20 की स्पीड के बाद में स्पीड भी नहीं आ रही थी, तो क्या किया, दोबारा से किसी एक्सपर्ट की राय ली और फिंगर्स है वो सही से ASDF और JKL:, इसके अकॉर्डिंग सेट की। इसके बाद में मेरी स्पीड है वो लगभग 38-40 तक एग्जाम तक आ गई थी, लेकिन हुआ ये कि वहां पर आपको बैक स्पेस भी काम नहीं करेगा। ठीक है, आप जो भी टाइप करेंगे वो 100% है, उसमें आप कोई भी डिलीट नहीं कर सकते। इसके अलावा हाईलाइट है वर्ड जो भी हम लिख रहे हैं तो वो हाईलाइट भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आप अभी टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करें, तो एक तो आप जो भी ऊपर वाला शब्द है, पैराग्राफ है, उसको हाईलाइट ना करें। ठीक है, दूसरी बात, आप बैक स्पेस को अपने कीबोर्ड से ही उखाड़ के फेंक देवें। ठीक है, ये 2 चीजें आप विशेष तौर पर ध्यान में रखें, बैक स्पेस का यूज नहीं करना है, हाईलाइट का यूज नहीं करना है। मैंने क्या किया कि बैक स्पेस का तो वैसे मैं यूज नहीं कर रहा था, हाईलाइट की भी आदत नहीं थी, लेकिन जो ऊपर के पैराग्राफ है उसमें जो भी चीजें लिखी हुई थी वो मैं टाइप कर रहा था, नीचे जो भी लिखा जा रहा है उसकी ओर मैं ध्यान नहीं दे रहा था, केवल और केवल ऊपर की ओर ध्यान दे रहा था। और ऊपर की ओर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम नीचे और ऊपर दोनों तरफ ताका झाकी करेंगे तो हम लाइन मिस कर देंगे, और जैसे ही लाइन मिस होगी तो एक डेड लाइन है वो हमारी गड़बड़ हो जाएगी, और लाइन मिस से LDC भी मिस हो सकती है। ठीक है, मैंने क्या किया कि ऊपर और ध्यान दे रहा था, और पास में आपको पता है कि कीबोर्ड के पास में एक कैप्स लॉक का भी बटन आता है, की आती है, तो कैप्स लॉक है वो छोटी वाली उंगली ने प्रेस कर दिया, और कैप्स लॉक प्रेस होते लगभग 2 लाइन्स है, 2 लाइन कैप्स लॉक ऑन में है वो लिखी गई थी, और जैसे ही मैंने बाद में नीचे ध्यान दिया तो सभी मामला तो गड़बड़ था। फिर बैक स्पेस की ओर ध्यान दिया तो बैक स्पेस काम ही नहीं कर रहा था, कोई विकल्प नहीं था। तो उसके बाद में जैसे तैसे करके कॉन्फिडेंस तो वैसे ही चला गया था उसी टाइम, लेकिन फिर भी मैंने पेरा पूरा है वो टाइप किया, और फाइनली जब रिजल्ट देखा तो यू आर अपियर बट नॉट सिलेक्टेड इन फाइनल रिजल्ट्स, तो ये देखने को मिला। इसीलिए मेरी जो असफलता के कारण है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, इस प्रकार से आप गलतियां ना करें, और अगर हो सके तो मैंने तो अब दूसरी बार जो हाई कोर्ट LDC के बाद में 2018 में RSS भी LDC का एग्जाम दिया था, तो मुझे पता था कि क्या गलतियां हो सकती है, कैप्स लॉक मैंने जाते ही कीबोर्ड से निकाल ही दिया। ठीक है, कैप्स लॉक को मैंने कीबोर्ड से बटन ही हटा दिया, जिससे कि इस प्रकार की गलती को दोहराया नहीं जा सके। लेकिन आप अभी से टाइपिंग की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी,
और आपकी जो टाइपिंग है, टाइपिंग का टाइम ड्यूरेशन है, जहां तक जाते जाते आपकी स्पीड है वो 50-60 तक हो जाएगी अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस आपको किस प्रकार से करनी है, तो प्रैक्टिस आप एमएस वर्ड पर भी कर सकते हैं। और वर्ड पर प्रैक्टिस आप किस प्रकार से कर पाएंगे, वर्ड को जो दो भागों में स्प्लिट करके, तो वो मैं आप अगर चाहेंगे तो अलग वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। साथ ही डेली मैंने आपको बताया कि पैराग्राफ आप टाइप करा करें, जो भी करंट से जुड़ी न्यूज है या फिर एडिटोरियल वगैरह आप टाइप कर सकते हैं, तो आपका करंट अफेयर्स भी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। और टाइपिंग है वो आपको किस प्रकार से करनी है कि सुबह की और शाम की, इसके अलावा दोपहर को भी आपको टाइम मिले तो आप टाइपिंग कर सकते हैं। और टाइपिंग आपको एक समय में कितनी करनी है, 30 मिनट, 30 से 40 मिनट, 30-40 मिनट, यानी कि आधा घंटा आप सुबह करें, आधा घंटा शाम को करें, आधा घंटा दोपहर को करें। तो इस प्रकार से अगर आप 2 घंटा भी देंगे ना टाइपिंग का डेली बेसिस पर, तो आपकी टाइपिंग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही इजीली आप इन्हें कर पाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही साथ करें। और पहले आप है वो इंग्लिश पर अपना जो हाथ है वो सेट कर दीजिए। इंग्लिश की आपकी स्पीड लगभग 20 के आसपास में जब आ जाती है, तब आप हिंदी की है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपको सहूलियत रहेगी। ठीक है, तो मित्रों यही थी इस एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी। आई होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता है वो कदम चूमेगी। दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस एग्जाम को क्रैक करने से नहीं रोक सकती। और साथ ही साथ इस एग्जाम में रैंकिंग के हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस मिलेगी, यानी कि आपके अच्छा स्कोर होगा, अच्छा मार्क्स आप ले आएंगे, तो आपको हाई कोर्ट का हेड ऑफिस है वो मिल सकता है जोधपुर या जयपुर बेंच में। उसके बाद में आपको जिला न्यायालय इत्यादि मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छी तैयारी करके आप हाई कोर्ट के बाबू के रूप में पदस्थापित हो सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, अच्छे से तैयारी करें और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि यहाँ पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड इफेक्टिव और क्वालिटी वाला कंटेंट है वो मिलता रहेगा। बाकी जो पीडीएफ है प्रीवियस ईयर पेपर्स की, उनको आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं डाउनलोड करके, अपने मोबाइल फोन में या फिर कंप्यूटर लैपटॉप में भी पढ़ सकते हैं। तो उनकी भी आपको लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।